Dear students, assalamu alaikum. We are going to start class 6, lecture 7, which is based on decimal system, face value and place value. Dear students, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा decimal system. Decimal system, जैसे कि नाम से जाहिर है, deci, इसको decimal इसलिए कहते हैं कि ये 10 का system कहलाता है. अब मैंने इसकी definition लिखी है, the most common system of numeration is used only 10 symbols, namely 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. The symbol system, the system of numeration is called decimal system. यानी कि 10 numbers का system जो base करता है 0 to 9 के ऊपर, इसको हम कहते हैं decimal system. इसमें हमारे पास दो किस्म के system हमारे पास आ जाते हैं. एक पाकिस्तानी system of units होता है और एक international system of units होता है. हम उनका comparison अभी आपको बता देते हैं. Decimal system में हमारे पास दो numeration का systems हैं. एक पाकिस्तानी system और एक international system of numeration हमारे पास है. इन दोनों system में unit 10 100 एंड 1000 और 10,000 ये तो सेम है. यूनिट 10, 100 एंड 1000 एंड 10,000 ये तो सेम आएगा दोनों न्यूमरेशन सिस्टम में. लेकिन जहां से चेंज आता है पाकिस्तानी सिस्टम में 1 लाख इज इक्वल टू 100,000 हमारे पास, इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 और पाकिस्तानी सिस्टम में 10 लाख को हम 10 लाख कहते हैं पाकिस्तानी सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में वो 1 मिलियन कहलाता है. इसी तरह पाकिस्तानी सिस्टम में 1 करोड़ वो इंटरनेशनल सिस्टम में 10 मिलियन के इक्वल आता है. उसके बाद पाकिस्तानी सिस्टम में 10 करोड़ 100 मिलियन के इक्वल आता है और पाकिस्तानी सिस्टम में 1 अरब रुपीज को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में 1 बिलियन. सेकंड नंबर में हमारे पास आ जाती है फेस वैल्यू. फेस वैल्यू की डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी था, फेस वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर डिजिट इन अ गिवन नंबर इज द लोन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय दैट डिजिट. इसका मतलब क्या है? फेस वैल्यू हमारे पास हर नंबर की 0 to 9, ये मैंने नंबर लिखे 0 to 9, 0, 1, 2, 3, हर एक की फेस वैल्यू 2 की फेस वैल्यू 2 होगी, 3 की फेस वैल्यू 3 होगी. यानी जो जहां पे नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मैं अगर एक नंबर लिखता हूं 5, 4, 3, 2, इसमें जो 4 की फेस वैल्यू है 4 की फेस वैल्यू है. फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, जो जो नंबर होता है वो उसी की फेस वैल्यू कहलाती है. यानी कि 2 को अगर मैं कहूंगे 2 की फेस वैल्यू क्या है, यहां पर यूनिट प्लेस के ऊपर क्या फेस वैल्यू है, तो उसकी फेस वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है, इसकी फेस वैल्यू कहलाती है. 2 की फेस वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, यानी कि जो वो नजर आ रहा है वो ही उसकी फेस वैल्यू है. यानी कि 3 की फेस वैल्यू 3, 4 की फेस वैल्यू 4 और 5 की फेस वैल्यू 5 ही कहलाएगी. जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू की. प्लेस वैल्यू जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये प्लेस कहां कर रहा है, कोई नंबर कोई डिजिट कहां पे प्लेस कर रहा है. पहले मैं इसकी डेफिनेशन बना देता हूं. द प्लेस वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर डिजिट इज अ गिवन नंबर ऑफ इट्स प्लेस इन द नंबर. हम अब उसकी प्लेस की बात करेंगे. प्लेस मेरे यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, यानी कि वो प्लेस कहां कर रहे हैं हमने वो बताना है कि कोई डिजिट किसके किसी का कोई नंबर है वो नंबर कहां पे प्लेस कर रहा है. जैसे मैंने एग्जांपल दी 5264, 5246, 5426. प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन दीज डिजिट. अब इन दीज गिवन नंबर हमें 4 का प्लेस वैल्यू बताना है. 4 यहां पर देखें, अगर आप नंबर 1 में यहां पर अगर फर्स्ट को मैं चेक करता हूं तो यहां पे यूनिट प्लेस के ऊपर है. देखें नंबर 1 पे कहां पे है जी, 4 इज इन यूनिट प्लेस. और नंबर 2 पे अगर मैं देखूं इस सेकंड नंबर के ऊपर तो 4 यहां कहां प्लेस कर रहा है, ये यूनिट है, ये 10 के ऊपर, 10 प्लेस के ऊपर प्लेस कर रहा है. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 40, यानी कि 10 प्लेस के ऊपर ये प्लेस कर रहा है. और थर्ड वैल्यू को अगर मैं देखूं तो ये 5426 है. उसको देखें यूनिट 10, 100 प्लेस के ऊपर ये प्लेस कर रहा है. 5446 में हमारे पास यहां पे जो 4 है थर्ड वैल्यू के अंदर, ये 100 प्लेस के ऊपर है, तो 400 यानी कि इकलाएगा. अभी मैं इसको क्लेम कर देता हूं, अभी एग्जांपल देके आपको और ज्यादा वजाहत के साथ ये समझ आ जाएगा प्लेस वैल्यू क्या होती है. जी स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू को समझने के लिए मैं अभी इसी एग्जांपल को एक्सपेंड कर देता हूं. 5426 कि कौन सा नंबर कहां पे प्लेस कर रहा है, तो हम इसको एग्जांपल देते हैं. 5426 फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पार्ट 1 है, इसको मैं सॉल्व करता हूं कि 6 कहां पे है यूनिट प्लेस के ऊपर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 6. 2 कहां पे प्लेस कर रहा है, वो 10 प्लेस के ऊपर है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो उसका आंसर आ जाएगा 20. 4 कहां प्लेस कर रहा है, 100 प्लेस के ऊपर है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ 4 को, वो 400 इसका आंसर आ जाएगा. 5 कहां प्लेस कर रहा है, 1000 के ऊपर, 5000. और अगर मैं इन सबको ऐड करूं
इन सबको ऐड कर दूं, प्लस कर दूं इन सबको, तो हमारे पास आ जाएगा 5426, इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास कहलाती है, अगर मैं इसको इस तरह किस किस फॉर्म में लिखूं, 6 + 20 + 400 + 5000, ये हमारे पास होता है, इसको कहते हैं हम एक्सपेंडेड रोटेशन। ये हमारे पास एक्सपेंडेड नोटेशन में फॉर्म में आ गया कि एक नंबर है 5426, अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहूं कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, इसके टेन प्लेस पे क्या है, हंड्रेड पे क्या है और थाउजेंड पे क्या है, तो मैं उसको एक्सपेंड करके यूनिट के लिए वन, टेन के लिए टेन से मल्टीप्लाई करेंगे, हंड्रेड प्लेस के ऊपर है हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो थाउजेंड प्लेस पे उसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके हम उसको उसकी प्लेस वैल्यूज को निकाल सकते हैं, यानी कि सिक्स कहां पे प्लेस कर रहा है, यूनिट वैल्यू पे प्लेस कर रहा है, इसलिए वन से मल्टीप्लाई हुआ। टू 10 पे प्लेस कर रहा है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हुआ, 20 इसका आंसर आ जाएगा। 400 पे प्लेस कर रहा है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 आ जाएगा, और 5 जो है वो 1000 पे प्लेस कर रहा है, तो 5000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5000 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं, 6025, मैंने इसके ऊपर लिख दिया यूनिट 10, 100 एंड 1000, 5 जो है वो यूनिट प्लेस के ऊपर है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 2 10th प्लेस के ऊपर है 10 से मल्टीप्लाई किया 20, 0 जो है 100 प्लेस के ऊपर है, एनीथिंग एल्स मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर इज 0, तो 0 100 प्लेस के ऊपर है, 100 से मल्टीप्लाई जरूर होगा लेकिन उसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। 6 जो है वो हमारे पास 10,000 प्लेस के ऊपर है, 1000 प्लेस के ऊपर जब हमारे पास आएगा 6 × 1000 = 6000, अगर मैं इसको एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखूं, एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं उसको मैं, फाइव प्लस ट्वेंटी प्लस जीरो प्लस 6000, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6025। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक्सपेंडेड नोटेशन, और ये आपके पास प्लेस वैल्यूज हैं, 5 की यूनिट के ऊपर है प्लेस वैल्यू 5, 10 20 के ऊपर, 2 की प्लेस वैल्यू अगर कोई पूछे तो वो 20 प्लेस के ऊपर है, तो 2 प्लेस जो है वो 10 प्लेस के ऊपर है, 0 100 प्लेस के ऊपर है, 0 आंसर आएगा, 6 जो है वो 1000 प्लेस के ऊपर है, यानी कि 6000 उसकी वैल्यू आती है हमारे पास प्लेस वैल्यू में।